गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड हेलो टू ऑल। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ उदयपुर एक्सप्लोरिंग। आज मैं बड़ी ही स्पेशल जगह आया हूँ, और आई शुड से आज मैं बड़ी रॉयल जगह आया हूँ। दिस इज़ द सिटी पैलेस, सिटी पैलेस उदयपुर, मतलब राजा का महल कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ अराउंड एटलीस्ट 400 ईयर्स ओल्ड। 1553 में महाराणा उदय सिंह जी ने इसे बनवाना शुरू किया था, और ये सिसोदिया वंश के सारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बनवाया था। और स्पेशल बात यह है कि इस पैलेस के नीचे एक स्कूल बना हुआ है जिसका नाम है महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, और उसी स्कूल से मैं पास आउट हूँ। सो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद सारी मेमोरीज़ फिर से रिफ़्रेश करूँगा, और आपको एक अच्छा सा इस पैलेस का पूरा टूर मैं दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ हियर इज द रॉयल एंट्री गेट ऑफ सिटी पैलेस। जस्ट लुक एट दिस गेट, ओ माय गॉड। उफ, इधर हम टिकट देंगे और एंट्री कर लेंगे पैलेस के अंदर। लेट्स डू दैट। ओके, हमें एंट्री मिल चुकी है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द स्टार्टिंग व्यू वेयर वी आर एंटरिंग इन द पैलेस। बड़ी राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, तो लग रहा है मैं अपने ही महल में चल रहा हूँ। पुराने ज़माने की तोप दिखाऊँ आपको, ये देखिए, उफ कमाल। यहाँ से पूरा आपको बाहर का जो व्यू है पैलेस का वो आप देख सकते हैं। सो अभी हम बिल्कुल एंट्री करने जा रहे हैं, आप दिल थाम के बैठिए। सी, ऐसे गेट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ द पैलेस। I'm going to show you the big view of the palace, how it is made. Now, when we enter the palace, so starting में ही ये beautiful gardens बने हुए हैं, you can see. और यहाँ से आप पूरे palace का view देख सकते हैं कि palace कैसा बना हुआ है। This is city palace, just look at that. एक हिंदी में कहावत है, कहते हैं गगन चूमती इमारतें, इस पे पूरी सही बैठती है, आप देख सकते हैं। लुक एट द क्लीननेस एवरीवेयर। And this is the entry gate of museum. Let's go. Now I'm going to enter the museum, the ancient museum of city palace. Let's go. Get the view. Oh, एकदम पुराने समय की याद आ गई, किस तरह से होता होगा पुराना टाइम यहाँ पे। लुक एट द आर्किटेक्चर,
I'm going to show you the beautiful painting of an elephant. The starting point of this museum we are going to enter. Yes. Just look at the beautiful architecture and carvings of this museum. Okay, now I have come to the historical passage. यहाँ पे इस पैलेस के पीछे क्या हिस्ट्री है, महाराणा प्रताप का पूरा एक जो जिसे कहते हैं कि लाइफ का हिस्ट्री इस पेंटिंग्स में बताया गया है. एंड यहाँ पे सारे इनके जो वंशज हैं, इनके एंसेस्टर्स रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके बारे में पेंटिंग्स में लिखा गया है कि किसकी क्या हिस्ट्री है. लेट्स सी. नाउ इनका नाम है महाराणा फतेह सिंह जी और इनका टाइम था फ्रॉम 1884 टू 1930. एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम यहाँ पे सबके आपको मैं मूर्तियाँ दिखाता हूँ और उनके बाद आए हैं महाराणा उदय सिंह जी. इनका टाइम था 1537 टू 1572 और इनके बाद वी हैव महाराणा प्रताप जी जो पूरे हिस्ट्री में बहुत फेमस वॉरियर हैं और यही एक ऐसे वॉरियर हैं जिन्हें अकबर कभी हरा नहीं पाया था. और इनका टाइम था 1572 से 1597 तक. लेट्स गो फॉरवर्ड. और ये है महाराणा भोपाल सिंह जी. ये कह सकते हैं सबसे रीसेंट हैं क्योंकि इनका टाइम है 1932-1955. इनके नाम का एक बहुत अच्छा कॉलेज है उदयपुर में जो इन्होंने बनवाया है और काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इनका उदयपुर में, उदयपुर की हिस्ट्री में. नाउ लेट्स गो फर्दर. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू शो यू सम मोर हिस्ट्री अबाउट महाराणा प्रताप एंड दिस पैलेस. जो सबसे फेमस वॉर हुआ था हल्दी घाटी का, उसकी एक ये छोटी सी पेंटिंग है. इस पर लिखा भी हुआ है हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड सीन. And I'm going to show you this beautiful picture. This is actually the war picture of Haldi Ghati, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो सबसे बड़ा वॉर हुआ था, ये उसका एक बहुत कमाल का पेंटिंग है. Okay, now I am going to enter the another part of the palace and this part is starting from this beautiful painting. I'll show you. And the steps ko hame follow karte 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 upar chalna hai. Yahan pe ek painting hai Maharana Karan Singh ji ki aur jinka time tha 1622-1628. Oh, just look at this. A
और यहाँ से मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देने वाला हूँ ऑफ द लेक. जस्ट सी दिस. ये पुराने ज़माने की जो खिड़कियाँ हैं वहाँ का व्यू है, वहाँ से ऐसा दिखता था. सोचिए आप. आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू वी हैव गॉट टुडे. देखिए ये है खिड़कियों का आप आर्किटेक्चर देखिए, कार्विंग्स. आई डोंट नो उस टाइम के आर्टिस्ट आज क्यों नहीं है जो इतनी कमाल की चीज़ें बनाकर पता नहीं कहाँ चले गए. जस्ट लुक एट द होल इंटीरियर ऑफ दिस पैलेस. लेट्स गो हियर. Another painting. This shows जब महाराणा फतेह सिंह जी घोड़े मन प्यार पर सवार होकर अम्बा माता मंदिर के पास बाढ़ में नदी को पार करते हुए उदयपुर 1886 ईस्वी शिवलाल द्वारा चित्रित. कमाल की फीलिंग आ रही है. जस्ट लुक एट दिस. एंशिएंट गैलरी. आई फील गो हियर. अब पुराने ज़माने का एक आपको फाउंटेन दिखाते हैं. ओके, नाउ दिस इज द होल व्यू ऑफ द सिटी विच आई एम शोइंग यू. जस्ट लुक एट दैट. यहाँ से पूरे शहर का आपको एक कमाल का व्यू दिखता है. चलिए अपने टूर को आगे बढ़ाते हैं. एंड लेट्स सी वेयर वी हैव टू गो. वी हैव टू गो हियर वे टू नेक्स्ट. ओके, कृपया इधर आए. ठीक है, आते हैं. ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट Now again, we have come here, जहाँ पे सारी पेंटिंग्स आपको दिखेंगी. I'll show you. Now, उस समय में जब राजा महाराजा होते थे तब का टाइम कैसा था. थ्रू दिस पेंटिंग्स यू कैन फिगर इट आउट हाउ दैट मिडीवल टाइम यूज टू बी. The celebrations, the marriage, the wars, the gatherings. Now this is the old Udaipur. जब सारी greenery थी, पहाड़ थे, trees वगैरह, तब इतना बना नहीं था. ये old Udaipur है. लुक एट द झरोके. इनको झरोके बोलते हैं, खिड़कियाँ, झरोके.
देखिए यहाँ से भी एक बड़ा प्यारा सा व्यू दिखता है आपको ऑफ द लेक, लेक पिछोला है ये, और महल भी दिखता है। ओके लेट्स गो। सो वी हैव एंटर द नेक्स्ट रूम एंड यहाँ पर भी आपको सारी पेंटिंग्स पुराने ज़माने की एंड लेट्स गो टू अनदर। ओके नाउ दिस इज समथिंग गुड, आई विल शो यू। नाउ अगेन वी हैव एंटर्ड वन पैसेज जहाँ पे इट्स एन ओपन पैसेज, ऊपर पूरा आसमान है और आपको सारे ये पिलर्स महल के जिसे गुंबद कहते हैं वो आप देख सकते हैं। और फिर से प्यार से झरोके से मैं आपको एक बड़ा कमाल का व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ अनदर व्यू एंड दिस इज़ होटल लेक पैलेस जो बिल्कुल पानी के बीच में बना हुआ है एंड दिस द मोस्ट और आई शुड से वन ऑफ द एक्सपेंसिव होटल्स इन उदयपुर। ऐसी खिड़कियाँ आज के ज़माने में नहीं मिलती भाई। अगेन अनादर झरोका खिड़की। हाँ ऐसी ऐसा व्यू हो ना पूरा दिन आप यही देखते रहो, कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके नाउ दिस वन इज़ द बिगेस्ट खिड़की जहाँ से एक्चुअली पूरा पूरे का पूरा शहर आप देख सकते हैं। और इस शहर से के पास जो पहाड़ बना हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। We have to go. Let's check it out. What's there? Okay. Mind the steps, huh? बिल्कुल आराम से आइएगा। And we have entered another room. ये पुराने ज़माने का झूला है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो पुराने ज़माने का आई ज़ूम इट, जब राजा महाराजा हुक्का हुक्का पीते थे और दे यूज़ टू हैव अ नाइस व्यू आल्सो बिहाइंड देम। नाउ आई एम एंटरिंग अनदर पैसेज, छोटा सा है रास्ता ये फिर भी, लेट्स सी एंड अनदर व्यू ऑफ द होल सिटी फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू शो यू द पैसेज हाउ इट इज़ मेड। ये इतना छोटा है कि मेरी हाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का होगा सिर्फ इसका पैसेज। लेट्स गो।
Hello. Huh? Now this was the setup it was used to be. आज छुट्टी है कि गुरुवार को छुट्टी रहती है आपकी छुट्टी आपकी भी छुट्टी है ओके ये है महाराणा जगत सिंह जी इन्होंने ही इस पैलेस की कह सकते हैं नींव रखी थी एंड यू कैन रीड हियर बिल्डर ऑफ प्रीतम निवास एंड द आइलैंड पैलेस जग निवास नाउ लेक पैलेस होटल दिस वाज द समर रेसिडेंस ऑफ महारानास ओके लेट्स स्टार्ट अनदर Now I have come to another room, and you can see the symbol of Mewar. ये सूर्यदेव का भी प्रतीक है और जब महाराणा प्रताप या इनके सारे एंसेस्टर्स हैं उनका जिसे कहते हैं सिंबल जो फ्लैग पे जो सिंबल होता है वो यही होता है I'm going to show you the architecture and the carvings here. Now, next we have to go here. Let's see. Okay, I guess this is the traditional kitchen. मुझे ऐसा लगता है हाँ it's here also a traditional Indian kitchen with use of wood and fuel. और मैं पुराने ज़माने के बर्तन आपको दिखाता हूँ देखिए चम्मच है घड़ा है पानी का सिलबट्टा है चक्की है यहाँ पे तांबे के बर्तन हैं जिसमें आई गेस खाना वाना बनाते होंगे और बड़े बड़े बर्तन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यस ओके नाउ वी हैव कम हियर जहाँ पर पुराने ज़माने की शायद जब सेलिब्रेशन होता होगा या कुछ नाच गाना टाइप होता होगा तब यहाँ पर कैसा सेटअप कैसा अरेंजमेंट होता था आई एम शोइंग यू ओह जस्ट लुक एट दिस Okay, now again we are entering in a new place. Let's hear. Okay. Okay, I guess
दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ आर टूर. एग्जिट लिखा हुआ है, लेट्स सी आगे क्या है. शायद हमको बाहर निकाल के छोड़ेंगे. यस ओके, यहाँ पे भी एक सेगमेंट है, लेट्स गो हियर. यहाँ देखते हैं क्या क्या है. ओके, हियर आर सम थिंग्स टू सी. नाउ दिस इज द मैप आई गेस, पर प्रॉपरली बनाया हुआ है. इट्स उदयपुर ओनली. सी यहाँ उदय सागर है, ये फतेह सागर है, पिछोला है, और बहुत ही एक फोक म्यूजिक आप सुन सकते हैं. नो नो, इट्स अ वीडियो, आई विल शो यू. दिस इज राजस्थानी फोक म्यूजिक. Again, we are here. This is Mewar Mature Phase, 16th century. And this is Model 2. Okay, let's go move forward. Now here are the carvings which I was talking about. I'm going to show you one by one. The old architecture, the old and ancient carvings. These are all old type of gods, I should say. See, it's written here. Now is this is the I guess musical room of the ancient times, where there is tabla, harmonium hai. This is a kind of purana santur ya sitar ke jaisa ek cheez hai. Violin, oh sitar bhi hai. I guess player the old times. Another one, mridang.
वी आर एंटरिंग अ न्यू गैलरी हियर अगेन. यू कैन सी द स्कल्पचर्स, द कार्विंग्स. Okay, there's another room. Let's go inside. Okay, another historical room, I guess this is. With paintings, pictures of Udaipur. It's a big palace, I should say. Okay, now there is another beautiful small palace here where it is Murti of Maharana Sangram Singh. Let's see. And again, it's a whole view of the passage of the palace. Okay, now I'm going to another gate. Let's see. Oh, okay. Choti si puja ho rahi hai, I guess. Now we are entering Zanana Mahal. Let's go check some more history about this palace. Again, it's Maharana Uday Singh Ji, Maharana Pratap Singh, Amar Singh, then Karan Singh, Jagat Singh, Raj Singh Ji, Jai Singh Ji, Amar Singh II, Sangram Singh, Jagat Singh. Now I'm going to show you the big gate, another gate which is heading to Surajpol, it is written there. I can see from here. Let's see. Small cafe is there. Now we are going to enter the Mardana Mahal. It is written here. I will show you Mardana Mahal. Let's see andar kya hai. Look at the gates. Purane zamane ke darwaze kis tarah se bane hue hain. I guess this is the exit of this museum, a palace.
अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द व्यू फ्रॉम द आउट ऑफ द पैलेस. वेल सो दिस वॉज द होल एपिसोड ऑफ सिटी पैलेस विजिट एंड द म्यूजियम एंड द हिस्ट्री एंड द गार्डन्स एंड द रूम्स आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स एवरीथिंग. आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस वाइल विजिटिंग ऑल दीज प्लेसेज एंड द होल पैलेस. एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मेरे और एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. टिल देन सी यू. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ उदयपुर एक्सप्लोरिंग. स्टे हेल्दी.